तो सुपर हीरोज की तो बहुत बात कर ली, लेकिन आज बात करते हैं सुपर हीरोइन की। मेरा मतलब है इस दुनिया की सबसे बैड एस फीमेल कैरेक्टर्स में से एक, लारा क्रॉफ्ट की। तो या तो तुम मेरी तरह गेम खेलते हुए इसके बारे में जाने हो, या फिर मूवीज से, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल मूवीज बन चुकी हैं। पहली वो एंजेलिना जॉली वाली, जो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जॉली को देखने में मजा कब नहीं आता। और दूसरी 2018 वाली मूवी, जो मुझे उतना खास पसंद नहीं आई। पर आज मूवीज के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि असली माल तो गेम्स में है। और हाँ, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें हर जगह लारा क्रॉफ्ट दिखने वाली है, मैं बता रहा हूँ। और उस टाइम तुम इस वीडियो में बताई चीजें दूसरे के सामने फ्लैक्स कर सकते हो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा, और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. He's coming. This is the first of many catastrophes you're doing. I have to go. I'm the only one. You're the only one that can walk. तो लारा क्रॉफ्ट पहली बार दिखी थी 1996 के टॉम रेडर वीडियो गेम में। अब उस टाइम के हिसाब से गेम तो अच्छा था, पर इसका मेन फोकस बन गया था लारा की दो बड़ी बड़ी गन्स, जो नेचुरल थी। जी हाँ, मैं उसके बीस्ट की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने गेम्स में ऐसा कुछ नहीं देखा था। और गेम बनाने वालों ने मजाक में बोल दिया था कि ये तो गलती से बड़े हो गए, हम तो छोटे रखने वाले थे। कुछ भी हो, लेकिन इस अजीब सी दिखने वाली लारा की गन्स ने सब बच्चों के बीच इसे फेमस कर दिया। जो अगली ट्रायलॉजी आई, उसने इसे सबसे बैडएस कैरेक्टर बना दिया। ये ट्रायलॉजी आई थी 2006 से 2009 के बीच। तीन गेम लारा की कहानी बताते हुए कि कैसे उसकी माँ के साथ अलग अलग मकबरों और पुरानी चीजों को ढूंढते हुए उसने अपनी माँ को खो दिया, और फिर वो अकेले आर्कियोलॉजिस्ट बन गई। वो अकेले दुनिया भर के, चाहे वो इंडिया हो, इजिप्ट हो, अफ्रीका हो, उनकी मकबरों को खोज के उसमें लगे जालों पर फ्लिप्स मारते हुए, अपनी बंदूकों को लिए दुश्मनों से लड़ते हुए उनके राज पता लगाती थी। और तो और, इसी ट्रायलॉजी में उसने डायनासोर से भी लड़ाई की है, जिसमें सबसे फेमस है जब उसने टीरेक्स को हराया था। मतलब तुम कोई और कैरेक्टर बता दो जो बिना सुपर पावर्स के टीरेक्स, मेड्यूसा, ममीज और भी कई सारे पुराने जमाने के राक्षसों को हरा चुका हो। और जब ये ट्रायलॉजी एंड हो रही थी, तो उसने क्या किया कि उसने थॉर का हथौड़ा तक उठा लिया था। मतलब लारा खुद भी वर्दी थी। अब ये ट्रायलॉजी मेरी फेवरेट थी, क्योंकि लारा का लेवल ही अलग था। वो किलिंग मशीन की तरह थी। वो दिखने में तो थी ही बेस्ट, और तो और उसका स्टाइल भी कमाल का था। मतलब क्या बोलूं, उसके करोड़ों में सिंप हैं। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब वीडियो गेम्स कूल नहीं रह गए, क्योंकि उन्हें रियलिस्टिक बनना था, उनके ग्राफिक्स असली जैसे हों, और इस सीरीज के लिए ये मुश्किल था। तो 2013 में इन्होंने टॉम रेडर की नई ट्रायलॉजी लॉन्च की। अब लारा हर टाइम बैक फ्लिप्स नहीं मार सकती थी, वो उतनी बैडास भी नहीं रह गई, और इन कहानियों की जो सुपर नेचुरल साइड हुआ करती थी, वो भी कम कर दी गई। पर फिर भी ये हिट हुए, क्योंकि रियलिस्टिक में भी लारा से बैडास कोई नहीं था। वो खून की नदी में नहाते हुए निकलना, वो तबाही के बीच में बैडास की तरह घुस जाना, वो सैकड़ों आदमियों से अकेले भिड़ जाना, दर्द के घूंट पीना, अपनी चोटों की फिक्र ना करना, लारा अभी भी बैडएस थी। और इस जॉनरा में भी वो सबसे बेस्ट थी। मतलब वो बस तीर कमान से पूरी बड़ी सी गैंग खत्म कर सकती थी, और उसके बाद जो पुराने जमाने के लाश वाले रक्षक हैं, उन्हें भी मार सकती थी उसी तीर कमान से। इससे ज्यादा और क्या बैडएस होगा। तो रियलिस्टिक बनाने से चाहे मॉन्स्टर भले ही कम हो गए हों, लेकिन लारा और उसके एडवेंचर में कोई कमी नहीं आई। हाँ, अगर इस ट्रायलॉजी में कमी थी, तो वो थी कि कोई अच्छा विलन नहीं था। जैसे पुरानी ट्रायलॉजी में पावर की भूखी सुपर ह्यूमन थी इसकी विलन, इस बार पूरी कहानी को कैरी किया था लारा के जबरदस्त कैरेक्टर ने। पर उस कमी को भी मैं नजरअंदाज कर दूंगा, क्योंकि इसकी फर्स्ट कहानी में जब लारा पकड़ी जाती है, तो एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, पर अंत होता है जब वो उसे मार देती है, और उसके बाद जो लाशें बिछाना चालू करती है। मतलब पुराने गेम्स में लारा बैडास थी, पर यहाँ वो एक इंसान है, पता चलता है, ऐसी इंसान जो बेस्ट कैरेक्टर है। तो अब इस ट्रायलॉजी के बाद अमेज़न
ने एक प्लान सोचा है कि ये इतना बड़ा ब्रांड है ही सही, तो इस पे एक प्रॉपर यूनिवर्स क्यों ना बनाया जाए, और उसने वही किया। इस टाइम पे लारा क्रॉफ्ट पे नया गेम बन रहा है, उसके अलावा अमेज़न पे उसकी लाइव एक्शन शो और मूवीज का भी काम चालू हो गया, और ये सब कनेक्टेड होंगे। अब मैं वीडियो गेम के ऊपर बने लाइव एक्शन प्रोजेक्ट पे भरोसा नहीं करता, तो जब भी ये शो या मूवी आएगी मैं सबसे पहले बताऊंगा कि प्रॉब्लम है या नहीं। पर जहां तक बात रही नए गेम की, तो मैं चाहता हूं कि इसके विलेंस और मॉन्स्टर्स और लारा के मूव्स पुरानी ट्रायलॉजी जैसे बैडएस और कूल हों, पर लुक्स और इमोशंस नई ट्रायलॉजी वाले हों। और पता है ऐसा कैसे हो सकता है, जब ये लोग रेजिडेंट एविल से कुछ सीखें। तो अभी कुछ टाइम पहले रेजिडेंट एविल 4 का रीमेक आया था, और ये जितना रियलिस्टिक था उतना कूल भी, क्योंकि हम मूवीज और गेम्स में घुसी इसलिए रहे हैं ताकि बैडएस और कूल फील कर सकें रियल वर्ल्ड से दूर जाके। तो बस वो लारा क्रॉफ्ट की मूवी शो और गेम को ऐसे ही बनाएं। और हाँ, अभी व्यूज डाउन है, इसीलिए वो रेजिडेंट एविल सीरीज की फुल एक्सप्लेनेशन पे जो बहुत सारे वीडियोस बोले थे वो नहीं ला पा रहा हूँ। वापस से व्यूज अच्छे हुए तो रेजिडेंट एविल डेविल मे क्राई और तो और लारा क्रॉफ्ट की कहानी भी लाऊंगा। अब बस लाइक कर देना और तुम्हारी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कमेंट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।